और यहाँ पे हम लोग ये प्रोटीन बार हटाने जा रहे हैं और देखते हैं उस तरफ क्या है। तो चलो हटाते हैं, और चलो यार देखते हैं तो उस तरफ हमें क्या मिलेगा। लेट्स गो। तो गाइस क्या हाल है आप लोग, तो मैं आरडीएक्स आ चुका हूँ एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं रोब्लॉक्स, और रोब्लॉक्स में हम लोग खेलने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैन सिम्युलेटर। इसमें हमें इस बड़े बंदी की तरह बनना पड़ेगा, मतलब हम लोग इससे भी बड़े बन सकते हैं। इसकी तरह बनने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा वर्कआउट, और वर्कआउट करने के लिए हमें करने पड़ेंगे स्क्वाट्स, वो भी डंबल उठा उठा के। तो ये गेम मैं पहले भी थोड़ा खेला था, जिससे कि हमारी थोड़ी मसल बन चुकी है। नहीं तो जब शुरुआत में हम लोग आते हैं तो एकदम छोटे से पिद्दी से होते हैं और बिल्कुल भी मसल नहीं रहती। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वाट्स करते हैं। स्क्वाट्स करने के लिए हमें लगेगी एनर्जी, अभी तो 482 ले रहा है, हर स्क्वाट पे एनर्जी बढ़ती रहेगी। और जैसे कि अभी हमारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, तो एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें जाना पड़ेगा स्टार्ट पोजीशन पे, जो कि अपने राइट साइड में। तो स्टार्ट पोजीशन सबसे पहले हमें फेदर उठाने को मिलता है, और हम लोग मैक्सिमम 6 नंबर फेदर उठा सकते हैं। और अब हम लोग रबर डक भी उठा सकते हैं जब थोड़ी एनर्जी हमारे पास आ जाए, और फिर हम लोग टॉयलेट भी उठा सकते हैं। जी हाँ गाइस, हम लोग टॉयलेट भी उठा सकते हैं, और अभी हम लोग बैठे हुए टॉयलेट पे। वाह भाई, मतलब क्या करके आओ भाई, टॉयलेट पे क्यों बैठना है। चलो इसे खींचते हैं हम लोग। तो जैसे पीछे अपने देख रहे हो कितना सारा सामान है, तो यही हम लोग फिनिश लाइन में ले जाना है। और देखो कितनी सारी मुझे एनर्जी मिली है, 1.5K मिली है, और ये बड़ा बंदा फ्लेक्स कर रहा है अपनी एनर्जी का हमारे सामने। तो चलो पहले उठाते हैं टॉयलेट। टॉयलेट से बहुत सारी, ये फिर से बैठ चुका है यार। तो हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था कि टॉयलेट से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मतलब टॉयलेट खींचने से। तो वही खींच के हम लोग देखो 200 पर टॉयलेट, मतलब हमारे पास अप्रॉक्स 3K हो गई है हमारे पास एनर्जी। तो यही हमें करते रहना है, सिमुलेशन गेम है, तो यही हम लोग कर करके अपनी मतलब बॉडी बिल्डर हम लोग बन जाएंगे। और ये फिर से बैठ चुका है यार टॉयलेट, पता नहीं क्या आज खा के आया है, शायद आज इसने सुबह गलत या पुरानी कोई पुराने पराठे खा लिए शायद इसने। तो हम लोग पहले उठाते हैं रबर डक, 6 रबर डक उठा सकते हैं। हर क्वांटिटी हम लोग हर चीज़ मतलब 6 की क्वांटिटी में उठा सकते हैं। चलो इस बार नहीं बैठा यार, नहीं तो हर बार बैठे पड़ा था। तो चलते हैं फिनिश लाइन की तरफ। तो हमारे पास 5.35K स्ट्रेंथ हो चुकी है, अभी और करते हैं। इस बार भी नहीं बैठा, चलो अच्छी बात है। तो हमें जैसे कि मैंने बोला था स्ट्रेंथ नहीं एनर्जी इकट्ठा करके हमें जाना होगा फिनिश लाइन तक, और करना होगा हमें वर्कआउट। तो हर वर्कआउट पे बढ़ता रहेगा। ये डक भी चलो उठा लेते हैं। तो यार ये लास्ट टाइम है, और हमें देखो ये जो सामने डंपस्टर है इसे हटाना होगा बॉडी बना के। तो चलो चलते हैं वर्कआउट करने। वर्कआउट करने का समय आ चुका है, 495 एनर्जी लगा यार। चलो कोई नहीं, अपने पास भी है, और हम लोग ऐसे स्क्वाट करते रहेंगे। अब 500 पे पहुंच चुके हैं यार हम लोग, मतलब 500 एनर्जी एक वर्कआउट यानी एक स्क्वाट के लिए, यार बहुत एनर्जी जाती है। और 547 यार अब बहुत ले रहा है ये। चलो हम लोग स्ट्रॉन्ग नूब बन चुके हैं, शुरुआत में जैसे मैं नूब था एक, तो स्ट्रॉन्ग नूब सैलमन बॉय की तरह हम लोग बन चुके हैं। तो चलो क्या हम लोग इस डंपस्टर को उठा पाएंगे, उठाना नहीं मतलब सामने से हटाना है अगले वर्ल्ड में जाने के लिए। और ये मैंने पकड़ लिया, और क्या ये हटा पाएगा। अरे इसने तो बड़े आसानी से इसे हटा दिया यार। तो चलो इसे हटाते हैं, इस डंपस्टर को अपने पीछे से, और चलते हैं दूसरे वर्ल्ड में। तो देखते हैं गाइस दूसरे वर्ल्ड में क्या होगा। वाह यार ये तो एकदम पूरा, अरे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, वो कौन है यार, ये क्या कर रहा है यार। ये तो हमें देख के बड़ा खुश हो रहा है यार, ये तो डांस कर रहा बहुत बढ़िया। रुको यार इसे हाय करें ये। ओ भाई कैसे हो यार। चलो यार ये तो अपना डांस करने में मस्त है, हम लोग भी अपना प्रोटीन शेकर, हाँ ये प्रोटीन शेकर है, मतलब एकदम जिम वाला इफेक्ट नहीं यानी फील हमें आ रहा है जिम वाला।
तो क्या मैं ढेर सारी चीज़ें उठा पाऊँगा। आगे है अपने कैटल बेल है अपने सामने, 6 की क्वांटिटी में ही उठाएंगे। अरे यार यहाँ तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यार, बहुत ज़्यादा यहाँ तो वेट बढ़ चुका है और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिल रही है हमें। तो यार अब यही कंटिन्यू करते हैं हम लोग और ढेर सारा यही सब उठाते हैं। और देख रहे हो यार जैसे एक वर्कआउट पे 547 दिया है एनर्जी लेगा, और वो बंदा अपना डांस करने मस्त है साइड में, उसे डांस करने दो यार, उसने बॉडी बना ली ना इस वजह से वो डांस कर रहा है। हम लोग भी बॉडी बनाएंगे और ये देख लो यार क्या ही मस्त है यहाँ का सीन, एकदम पूरा रेस ट्रैक जैसे स्पोर्टी इफेक्ट आ रहा है। और 8.9K हो चुके हैं अपना एनर्जी। चलो यार जल्दी से चलते हैं वर्कआउट करने, 547 लेगा एक वर्कआउट का। तो चलो करते हैं स्क्वाट और ये लगाते हैं, इस बार तो मुझे लग रहा है ज़्यादा स्क्वाट लगाएगा। और 159 ऐसे ही कर करके देखो बढ़ता रहेगा अपना, वो देख रहे हो डंबल का जो आइकन है वो मतलब हमारी पावर है, हमारे पास कितनी पावर है अभी। तो अभी यार हम लोगों का वो नहीं बदल रहा यार, कैटेगरी स्ट्रॉन्ग नूब पे ही है, शायद 200 पे बदलेगा। तो चलो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ ढेर सारी एनर्जी इकट्ठा करके। तो गाइस मैं एनर्जी कलेक्ट कर रहा था लेकिन मुझे एक नई चीज़ मिली जो कि है मेडिसिन बॉल, और जो कि हम लोग 3 की क्वांटिटी में उठा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बहुत भारी होगी लेकिन नहीं, ये तो बहुत हल्की है। चलो यार देखते हैं कितना मिलेगा हमें पर बॉल का एनर्जी, और ये मिली हमें 200। ये कौन लेट है गाइस, ये बेचारा बॉडी बनाते बनाते अपनी जान से हाथ धो बैठा। प्लीज़ गाइस लाइक कर दो इसके लिए प्लीज़। तो गाइस इसे छोड़ते हैं और चलते हैं अपने वर्कआउट की तरफ, ये बेचारा यहीं लेटा रहेगा। तो सामने क्या पड़ा है अपने, ये पड़ा है अपने सामने वेट यानी कि डंबल। तो यार बहुत बड़े बड़े डंबल है, मुझे लग रहा है ये 1000 किलो का एक है शायद। क्या अपना प्लेयर खींच पाए, और भाई ये तो खींच पा रहा है यार बड़ी आसानी से। तो यार अपने बंदे के तो मसल भी बन चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो चलो यार ये एक और बार खींचते हैं, अपने पास हो चुका है 8.404 के, लेकिन यार ये डंबल बड़े भारी हैं यार, देखो इसी के मुंह पे गिरे पड़े हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपने बंदे के भी बहुत तगड़े मसल बन चुके हैं, कुछ ही देर में ये भी शायद बड़ा हो जाए। 500 मिला है हमें एक डंबल खींचने का, वाह भाई। और वो क्या पड़ा यार गाइस, ये तो टायर पड़ा है यार, ये तो अपने बंदे से ही पड़ा है 6 टायर में, तो ये ऐसे ही उड़ने लगा यार। चलो एक कम करते हैं, देखते हैं क्या ये खींच पाएगा एक टायर कम करके, मतलब 5 टायर में तो ये उड़ने लगा, 4 टायर भी नहीं खींच पा रहा यार ये तो। एक और कम करते हैं, चलो ये तो खींच पा रहा है लेकिन इसमें बहुत मेहनत लग रही है अपने बंदे की यार, बहुत भारी होते हैं टायर, देखो इससे तो कितने ज़्यादा बड़े टायर हैं। और 750 मिलेगा हमें एक टायर खींचने का। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम लोग अपने वर्कआउट करने की तरफ। तो चलो यार लगाते हैं स्क्वाट्स, 614 एनर्जी कॉस्ट करेगा ये हमें। और ये क्या गाइस हमारे सामने, तो ये बंदा ट्रैक्टर ही पूरा खींचे पड़ा है, और यार देखो कितना ज़्यादा बड़ा ही है ये बंदा, ट्रैक्टर तो इसके सामने तो बड़ा छोटा है। तो हम लोग भी अपना वर्कआउट कर रहे हैं, 182 डंबल कह सकते हैं, 180 के करीब हमारे पास हो चुके हैं। वो देखो यार ट्रैक्टर फेंक गया सामने हमारे, एनर्जी ख़त्म। तो मैं एनर्जी इकट्ठा करता हूँ और तुमसे मिलता हूँ खूब सारी एनर्जी इकट्ठा करके। तो गाइज मैं एनर्जी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे मैंने टायर खींचे, और बार बार मैंने 4 करके टायर खींचे जितनी हमारी कैपेसिटी थी। तो पेट्स मैंने आगे पढ़ा कि पेट्स मिल रहे हैं, तो मैं देखता हूँ, और ये पेट्स का है कुछ शॉप, और मुझे 2 पेट मिल चुके हैं। तो मैंने रोल किए पेट जाके, मतलब एनर्जी हम खर्च करते हैं रोल करने के लिए, तो ये लोग हमारे वर्कआउट में मददगार होते हैं। और एक स्टेज ऐसा भी आया मेरा कि मैं बहुत सारी चीज़ें लेके जाने लगा और मैं स्ट्रॉन्गर बनता गया, और ये देख लो भाई मैं कितनी सारी चीज़ें ले जाने लगा, और इसी से मुझे मिली बहुत ढेर सारी एनर्जी। और मैं एनर्जी इकट्ठा करने के बाद चला गया वर्कआउट करने अपना। तो जब मैं वर्कआउट करने लगा तो गाइस आप ही देखो क्या हुआ, बस
ये मैं स्कॉर्ट कर रहा था और ऐसे मैं स्कॉर्ट करता गया। तो जैसे ही हम लोग 200 पे पहुँचे तो तुरंत हम लोग बन गए मैसिव नूब। लेकिन अभी भी नूब का टाइटल हमसे नहीं हटा है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो मैं पहले अपनी सारी एनर्जी वर्कआउट में लगाता हूँ, फिर जाता हूँ एनर्जी इकट्ठा करने। तो पहले हम लोग अपने स्क्वाट्स पूरे करते हैं। और वो सामने देखो यार, सामने भी बहुत सारे लोग हैं जो कि यही एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं फिर से लग गया एनर्जी इकट्ठा करने में। तो मैं देख रहा हूँ कि यार मेरी बहुत सारी मसल बन चुकी है। तो यही हम लोग टायर अब देखते हैं अब कितने उठा पाएंगे। 4 उठा लिए, 5 भी क्या पता हम लोग उठा लें। और यस भाई, हम लोग उठा लिए 5 टायर भी। तो यही करते रहेंगे हम लोग, और डंबल भी उठाएंगे, सारी मतलब चीज़ें ले जाएंगे, तो एक साथ ही हमें ढेर सारी एनर्जी मिल जाएगी। तो मेडिसिन बॉल उठाते हैं जो कि 3 उठा पाएंगे, और आगे चलते हैं। और आगे कैटल बेल भी उठाएंगे। अब गाइस आप ही देखना कितनी सारी एनर्जी मिलेगी हम लोग जब ये सारा ले जाएंगे। अब वो बंदा तो डांस करता ही रहेगा यार, उससे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई। प्रोटीन शेकर उठाते हैं हम लोग, चलते हैं। अब देखना गाइस कितनी सारी चीज़ें मैंने उठाई है ना, अब देखना बस आप लोग कितनी सारी एनर्जी मिलेगी। 122 पे थे और देखो सीधा हम लोग 12.45 के पे आ गए हैं। सो ढेर सारी चीज़ें मैंने खींच के ढेर सारी एनर्जी इकट्ठा की। और अभी भी हमारा वही टारगेट है कि इस एपिसोड में रोब्लॉक्स के हम लोगों को नूब का टाइटल अपने ऊपर से हटाना है। तो हम और गाइस जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो तभी जैसे मैं 250 पहुंचा तभी मैं मेगा नूब बन गया, लेकिन अभी भी नूब हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग तेज़ी से वर्कआउट करते हैं। और वही चीज़ मैंने कंटिन्यू रखी, टायर खींचना। लेकिन इस बार हम लोगों ने 6 टायर खींच लिए, क्योंकि अब हम लोगों की थोड़ी पावर बढ़ गई। तो यही कर करके मैंने ढेर सारी एनर्जी इकट्ठा की। और फिर जब ये लास्ट बार मैं एनर्जी इकट्ठा कर रहा था तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये एनर्जी इकट्ठा करके अब हम लोग चलेंगे अगले वाले राउंड में, मतलब अगले वर्ल्ड में। तो सामने पड़ा अपने प्रोटीन बार, तो चलो चलते हैं। और ये देखो हमारे बगल में वीक नूब था, चलो कोई बात नहीं, हम लोग प्रोटीन बार हटाते हैं और देखते हैं उस वर्ल्ड में क्या है। मैं जानता हूँ आप लोगों को भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा, तो चलो चलते हैं उस तरफ। ओ भाई, यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये क्या, ये तो एकदम खाने वाली जगह, जैसे मतलब जिम से हम लोग निकलते हैं तो बाहर ठेले वगैरह लगे रहते हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। सुशी है खींचने के लिए, सामने देखो यार कितनी ढेर सारी चीज़ें। और ये क्या है, सोडा, ये है अपने पास सोडा। तो चलो पहले सोडा खींचते हैं। 3, 4, 5 टोटल उठा सकते हैं हम लोग, तो चलो 5 ही लेके चलते हैं। और सुशी भी चलो उठाते हैं, अब हम लोग तो पावर हम लोग में आ गई। अरे कितना ऊपर हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो बहुत दम लग रहा है यार अपने प्लेयर को, देखो कितना धीरे धीरे चल रहा है, मतलब यहाँ डिफ़िकल्टी और बढ़ चुकी है। तो चलो चलते हैं। 18.13 के पे हम लोग आए थे और हमारी हो गई है 33 के, हमारी एनर्जी हो चुकी है। तो चलो यार वर्कआउट करते हैं, अब तो शायद हम लोग बढ़ ही जाएं नूब के टाइटल से। तो चलो करते हैं स्क्वाड, और क्या हम लोग बढ़ जाएंगे 300 पे। और ये यस, हम लोग बन चुके हैं बेबी नूडल। नूडल, अरे चलो कोई बात नहीं। और पीछे अपने वेफर की बहुत तगड़ी दीवार है यार, एकदम चॉकलेट यहाँ से गिर रही है, वाइट चॉकलेट है और ब्राउन चॉकलेट। तो चलो हम लोग बन चुके हैं बेबी नूडल, नूडल बन चुके हैं गाइस हम लोग। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो गाइस हम लोग बन चुके हैं बेबी नूडल। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, और बताइए कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।